आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड। ठीक है, आपको जो है वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो जो है उन पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, सो और आंसर देखिए, जो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जो होती है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, यहाँ पे इन सब का मतलब क्या हो गया, देखिए v तो यहाँ पे आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। ठीक है, v क्या हो गया यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। ठीक है, एंड गामा क्या हो गया यहाँ पे आपका, गामा यहाँ पे आपका हो गया एटोमिसिटी ऑफ गैसियस। ठीक है, गामा क्या हो गया आपका यहाँ पे, गामा आपके आ गया एटोमिसिटी ऑफ गैसियस। ठीक है, एंड आपका जो है आर क्या हो गया यहाँ पे, आर यहाँ पे आपका हो गया यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड टी क्या हो गया यहाँ पे आपका टेम्परेचर, एंड एम यहाँ पे आपका हो गया मोलर मास। ठीक है, जो कि डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया मोलर मास। ठीक है, ये तो थी आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, फिर इन गैस। ठीक है, एंड आपको पूछा कि डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो देखिए यहाँ से, ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखते हैं डिपेंडेंट किस किस पे रहता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट हम जो वही लिखते हैं जिसके ऊपर डज नॉट डिपेंड रहता है। ठीक है, सो डज नॉट डिपेंड किस किस पे डिपेंड नहीं रहता, डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड किस किस पे डिपेंड नहीं रहता। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो आपके जो है जो आपकी एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, साउंड जो उसके जिसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, एम्पलीट्यूड भी नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी जो आपका डिपेंडेंट नहीं रहता, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी आपका डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है जो वेवलेंथ है, यहाँ पे देखिए वेवलेंथ भी जो है फॉर्मूले में कहीं भी नहीं है। ठीक है, सो वेवलेंथ जो उसके ऊपर भी आपका कभी डिपेंडेंट नहीं होता, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्रेशर है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, ये सारे किसके, ये हम जो है आपके जो है साउंड जो है उसके लिए हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर के ऊपर भी जो है कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो कभी भी जो है डिपेंडेंट नहीं रहती। ठीक है, सो अब बात आती है डिपेंडेंट किस किस पर रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर पर भी जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड आपके जो है मोलर मास पर भी डिपेंडेंट है, एंड एटोमिसिटी ऑफ गैसेज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड आप बोल सकते हो इसके अलावा कि डेंसिटी के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सो इन सब के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर हो गया, मोलर मास हो गया, ठीक है, एटोमिसिटी ऑफ गैसेज, इन सब के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डिपेंडेंट रहती है, जबकि आपका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड प्रेशर, इन सब के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डज नॉट डिपेंड होती है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।